आज दिल्ली में अभी तक टोटल 384 कोरोना के पेशेंट्स हुए हैं, 384। कल तक ये 293 थे, तो पिछले 24 घंटे में 91 और पेशेंट्स कोरोना के बढ़ गए हैं। एकदम से देखने में तो ये काफ़ी चिंताजनक लगता है। मैं इसका आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेकअप बताता हूँ। 384 में से आउट ऑफ 384 58 पेशेंट्स फॉरेन ट्रेवल वाले हैं। ये वो लोग हैं जो पिछले महीने 2 महीने में फॉरेन कंट्रीज से ट्रैवल करके आए थे, वहीं से कोरोना लेके आए थे। और इनमें से कई लोग दिल्ली के भी नहीं हैं, लेकिन दिल्ली में इनको क्वारंटाइन किया गया था, इनके पास इनके सिम्टम्स थे, इनको अस्पतालों में रखा गया था। तो ये इनको ये बीमारी दिल्ली में नहीं लगी। 58 पेशेंट्स फॉरेन ट्रैवल के हैं। 259 259 पेशेंट्स मरकज़ वाले हैं। और जिनको कॉन्टैक्ट से फैला है, जो फॉरेन से ट्रैवल करके आए और उन्होंने अपने परिवार को आगे कोरोना फैला दिया, ऐसे 38 केसेस हैं। 58 केसेस फॉरेन से ट्रैवल करके आए और उन्होंने अपने आगे 38 फैमिली मेम्बर्स को कोरोना फैला दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली के अंदर कोरोना एक दूसरे के टच करने से जो फैला वो 38 है। ये फिगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, ये काफ़ी कांस्टेंट है पिछले कई दिनों से। यहीं पे मुझे थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आती है कि दिल्ली में कोरोना अभी फैलना चालू नहीं हुआ है। जो भी आया वो बाहर से आया। दिल्ली में जो लोग कोरोना लेके आए उन्होंने आगे हम सब लोगों ने मिलके जो कोरोना को रोकने की कोशिश की, हम सब लोगों के प्रयासों से, केंद्र सरकार के प्रयास से, दिल्ली सरकार के प्रयास से, दिल्ली की जनता के प्रयासों से, जो भी लोग बाहर से कोरोना को लेके आए उसको दिल्ली के अंदर आगे फैलने से हम सब लोगों ने मिलकर रोका। और आज फैलने की वजह से केवल 38 केसेस हैं। तो दिल्ली में कोरोना अभी फैलने नहीं लगा है और ये सब आप लोगों के हम सब लोगों के प्रयासों का सिलसिला है। दिल्ली में अभी कोरोना की वजह से टोटल 5 डेथ हो चुकी हैं। कल तक 4 थी, पिछले 24 घंटे में 1 डेथ और हुई है, और वो भी जो मरकज़ से जिन मरीज़ों को निकाला गया था उन लोगों में से एक व्यक्ति की डेथ हो गई है। हमारे जितने भी पेशेंट्स अभी हॉस्पिटल्स में हैं कोरोना के, उनमें से 2 पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे रखा गया है, जिसको हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी उनकी स्थिति नाजुक है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी जल्दी निकल आएंगे। बाकी पेशेंट्स स्टेबल नज़र आ रहे हैं। एक व्हाट्सएप नंबर आज मैं आपको दे रहा हूँ, ये दिल्ली सरकार का व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोरोना से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप इस पे, अभी मैं जब व्हाट्सएप नंबर दूंगा इसे सेव कर लीजिएगा अपने फ़ोन में। अगर आप इस पे हाय या हेलो या कुछ भी लिख के भेजेंगे तो आपको जवाब में एक मेन्यू आ जाएगा और उस मेन्यू के हिसाब से फिर आगे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कोरोना से संबंधित जितनी भी किस्म की कहाँ कहाँ खाना मिल रहा है, कोरोना के क्या सिम्टम्स हैं, कोरोना के बारे में दिल्ली सरकार की क्या क्या व्यवस्था, सारी जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मिल सकती है। ये व्हाट्सएप नंबर है 8800007722। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, 8800007722। इस पे इसको आप सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में और इसको आप इसके ऊपर हाय या हेलो लिख के भेजिए और उसके बाद आपको आगे ये बताता जाएगा कि क्या करना है।